JLN एजुकेशनल ग्रुप के संस्थापक निदेशक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आजम बेग का जन्मदिन 7 अक्टूबर 2020 राज्य भर में बड़ी संख्या में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण के साथ मनाया गया। नमस्कार आदाब, फास्ट न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। जन्मदिन दिवस के अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री आबिद कागजी ने JLN कैंपस शिवदासपुरा जयपुर अपनी टीम के साथ संस्थापक निदेशक डॉक्टर आजम को बधाई देने पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर आजम बैग का जीवन चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन और खुली किताब की तरह है, जो मात्र राजस्थान राज्य के लिए ही नहीं बल्कि हमारे देश के बहुत सारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्री कागजी ने ये भी कहा कि राजस्थान से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के एकमात्र नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आजम बेग के जन्म दिवस पर राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग ने भी विभिन्न जिलों में आदरणीय अशोक गहलोत जी की नो मास्क नो एंट्री मुहिम का हिस्सा बनते हुए बड़ी संख्या में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण करने का निर्णय लिया है। हम सब डॉक्टर आजम बेग के सुखद एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। इस अवसर पर JLN एजुकेशन कैंपस शिवदासपुरा में स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों एवं छात्रों द्वारा फूल माला पहनाकर डॉक्टर आजम बैग का सम्मान कर सैनिटाइजर एवं मास्क वितरण मुहिम को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही चाकसू, शिवदासपुरा, कोर प्लाजा, बाड़ा पद्मपुरा, बरखेड़ा और जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजर एवं मास्क वितरित किए गए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और हमारे राजस्थान के आन बान शान हमारे भाई डॉक्टर आजम बेग साहब का जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान के अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आपके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट के चेयरमैन होने के नाते मैं आज अपनी पूरी टीम के साथ इनके खुद के कॉलेज में आकर इनको बधाई देता हूँ, क्योंकि आप एक समाज सेवी के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान है। हमेशा चाहे किसी पद पर रहें या न रहें, आज तो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, लेकिन आपने पूरे राजस्थान में अल्पसंख्यक वर्ग में एक आपकी अलग अमिट पहचान छोड़ रखी है। आज भी चाहे लॉकडाउन हो या लॉकडाउन से पहले हो, आपने भरपूर तादाद में लोगों की मदद करी है और डिपार्टमेंट इनके साथ था, क्योंकि आप हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। राजस्थान के आप आते हैं और राजस्थान के वाहिद राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग इनका जन्मदिन मनाए। और आपने आपके जन्मदिन पर शायद सैकड़ों की संख्या में सैनिटाइजर मास्क वितरण करने का प्रण लिया है, क्योंकि राजस्थान की माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार जिसने नो मास्क नो एंट्री का एक आह्वान किया है, जागरूकता कोविड-19 के लिए एक आह्वान किया है, उसको जोड़ते हुए अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और राजस्थान भर में कई जगह आपके जन्मदिन पर अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से मास्क वितरण, इसके साथ साथ रक्तदान, गरीबों को खाना खिलाना, काफ़ी आयोजन अल्पसंख्यक विभाग कर रहा है। जन्म दिवस पर 3,000 मास्क बांटने का भी एक लक्ष्य रखा है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल जन्मदिन मनाना या ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से परेशान है, उस पर खुशी का इजहार करना कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। सच्चाई यह है कि जन्मदिन जैसे आता है तो वो यह मैसेज दे के आता है कि अब आपकी उम्र का एक साल और कम हो गया, आपने इस दुनिया के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या काम किया है उस पर हमको अपना एहतसाब करना चाहिए। सही बात तो ये है, क्योंकि एक रस्म है, एक रिवाज है, अपने चाहने वाले और अपने करीबी और रिश्तेदार और दोस्त लोग ये चाहते हैं कि जन्मदिन का मौका है, चलो मुबारकबाद दे दें। अभी थोड़ी देर पहले हमारे आदरणीय आबिद कागजी साहब, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राजस्थान PCC के चीफ हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने भी बधाई और मुबारकबाद दी है। इस मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि राजस्थान में हमारे इस कोरोना वायरस की महामारी से बहुत सारे लोग जा चुके हैं। हम ईश्वर से
उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और हमारे बहुत सारे भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं मगफरत करते हैं। साथ ही आज हमने ये संकल्प लिया है, हमारी संस्था ने ये संकल्प लिया है, संस्था के सदस्यों और स्टाफ ने ये संकल्प लिया है कि जयपुर से लेकर के सांगोद और कोटा तक जहाँ जहाँ भी संभव हो सकेगा, आज हम आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत जी के इस आह्वान को सार्थक बनाने जा रहे हैं, नो मास्क नो एंट्री। यही राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान में कोरोना से बचाव का एकमात्र इलाज है। हमने ये तय किया है कि जन्मदिन के अवसर पर आज जयपुर में अपने कैंपस के पास, अभी आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर टोल प्लाजा है, यहाँ बरखेड़ा बाड़ा पदमपुरा जैनियों का बहुत बड़ा मंदिर है, और चाकसू शिवदासपुरा में तकरीबन 3000 मास्क वितरण का कार्यक्रम बनाया गया है, 1000 सैनिटाइज लोशन की बोटल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम बनाया गया है। ऐसे ही कोटा और सांगोद में भी हमारे संस्था की जहाँ जहाँ ब्रांचेज हैं और माइनॉरिटी के हमारे जो साथी काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, उन सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया है कि हम आदरणीय अशोक गहलोत जी की इस मुहिम को सार्थक बनाने के लिए जन्मदिन के अवसर पर, मेरे लिए वो तमाम लोग बड़े सुचिंतक, मैं उनका बहुत आभारी कि वो सब लोग आज राजस्थान के मुख्तलिफ हिस्सों में, कोटा में, सांगोद में और जयपुर में मास्क बांटने और सैनिटाइज तकसीम करने का कार्य कर रहे हैं। मैं ईश्वर से अपने लिए भी और अपने तमाम साथियों के लिए भी उनकी स्वच्छ बने रहने स्वास्थ्य की कामना करता हूं, और राजस्थान सरकार इस मार्ग से, इस माध्यम से आम जन के हित में जो प्रयास कर रही है उसकी भी सराहना करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से दुआ करता हूं, मालिक से प्रार्थना करता हूं कि जल्द अज जल्द हम इस कोविड महामारी से निजात पा सकें, इस बीमारी से ऊपर उठ सकें, और नॉर्मल वे में जैसे कुछ देश और प्रदेश पहले विकास की ओर अग्रसर था, इसी तरीके से हम वापस नॉर्मल लाइफ जीने की तरफ बढ़ सकें, और वो तमाम लोग जो इस रोग से पीड़ित हैं ईश्वर उनको सुख और शांति दे। इसी कामना और तमन्ना के साथ मैं अपने उन तमाम साथियों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर मुझे शुभ संदेश भेजे हैं, नेक ख्वाहिशात भेजी हैं, रक्त दान शिविर लगा करके मरीजों के लिए रक्त एकत्रित किया है, या फिर सैनिटाइज बांट के और मास्क डिस्ट्रीब्यूट करके राजस्थान सरकार की मुहिम नो मास्क नो एंट्री को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।